नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारे जो भी साथी भाई 200 या 250 मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि 200 मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उसे बनाने में कितना खर्चा होगा और उस घर को किस तरीके से बनाना चाहिए, उसका लंबाई कितना होना चाहिए और उसका चौड़ाई कितना होना चाहिए, उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत करना चाहते हैं तो मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उसे बनाने में आप लोगों को ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे लोग 50 से 60 हजार रुपये लगाकर 200 या 250 मुर्गियों के लिए फार्म का निर्माण करते हैं। देखिए, आप लोगों को इतना खर्चा करने की बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप लोग एकदम साधारण तरीके से और एकदम कम खर्च में बांस से अगर 200 या 250 मुर्गियों के लिए एक फार्म का निर्माण करते हैं तब भी वो फार्म 10 से 12 साल तो बड़ी आसानी से चल जाता है। अब बात करते हैं कि 200 या 250 मुर्गियों को रहने के लिए कितना बड़ा फार्म बनाना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग 260 या 275 स्क्वायर फीट का एक फार्म निर्माण करते हैं तब वहां आप लोग 200 से ज़्यादा मुर्गियों को बड़ी आसानी से रख सकते हैं। फार्म की लंबाई आप लोग 18 फीट रख सकते हैं और चौड़ाई 15 फीट रख सकते हैं। मुर्गियों के संख्या के अनुसार आप लोग फार्म की लंबाई जितना मर्जी रख सकते हैं पर चौड़ाई हमेशा 30 फीट ही रखना। 30 फीट से ज़्यादा अगर आप लोग फार्म का चौड़ाई रखते हैं तब फार्म के अंदर बाहर हवा आर पार नहीं हो सकता है, जिसके कारण मुर्गियों में समस्या आ सकता है। इसलिए फार्म बनाते समय आप लोग ये बात हमेशा ध्यान देना, मुर्गियों के संख्या के अनुसार आप लोग फार्म का लंबाई जितना मर्जी रख सकते हैं पर चौड़ाई हमेशा 30 फीट ही रखना। अब बात करते हैं 275 स्क्वायर फीट के एक फार्म निर्माण करने में क्या क्या सामग्री चाहिए और उन सामग्रियों को खरीदने में कितना खर्चा होगा। कम खर्च में मुर्गियों के फार्म बनाने के लिए इन चीज़ों की आवश्यक होगी। नंबर 1 बांस, नंबर 2 टीन या पन्नी, नंबर 3 तार, नंबर 4 रस्सी। अब बात करते हैं कि इन सामग्रियों को अगर आप लोग खरीदते हैं तो कितना खर्चा होगा। 275 स्क्वायर फीट के एक फार्म निर्माण करने के लिए लगभग 22 बांस चाहिए और अगर आप लोगों के घर में बांस है तो इसका खर्चा आप लोगों का बच जाएगा। फिर भी अगर आप लोग एक बांस खरीदते हैं तो उसका प्राइस लगभग 80 रुपये होता है और उसके हिसाब से 22 बांस का प्राइस हो जाता है 1760 रुपये। अब बात करते हैं कि छत पर हमें क्या लगाना चाहिए, टीन या पन्नी। देखिए, अगर आप लोग कम खर्च में मुर्गियों के फार्म निर्माण करना चाहते हैं तब आप लोग पन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पन्नी का खर्चा कम होता है। अगर आप लोग टीन खरीदने जाते हैं तो 200 मुर्गियों को रहने के लिए जो आप लोग फार्म निर्माण करेंगे और उसके लिए जो टीन चाहिए उसका खर्चा लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये होगा और अगर आप लोग पन्नी खरीदते हैं तो 3000 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। और पन्नी की जगह आप लोग पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर पुआल का खर्चा पन्नी से थोड़ा ज़्यादा होगा। इस फार्म को बनाने के लिए लगभग 200 रुपये के तार और 200 रुपये के रस्सी चाहिए। इस फार्म को आप लोग खुद भी बना सकते हैं और अगर आप लोग खुद बनाते हैं तो आप लोगों का खर्चा कम हो जाएगा और अगर आप लोग लेबर लगाते हैं तो लेबर का खर्चा लगभग 3000 रुपये होगा। टोटल करते हैं, बांस खरीदने के लिए खर्चा होगा 1760 रुपये, पन्नी खरीदने के लिए खर्चा होगा 3000 रुपये, तार खरीदने के लिए खर्चा होगा 200 रुपये, रस्सी खरीदने के लिए खर्चा होगा 200 रुपये और लेबर का खर्चा 3000 रुपये। तो टोटल हो जाता है 8160 रुपये, मतलब 8160 रुपये में आप लोग 200 या 250 मुर्गियों के लिए एक फार्म का निर्माण कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के घर में बांस है तो 8160 रुपये से बांस का खर्चा 1760 रुपये अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना होगा, 6500 रुपये। और अगर आप लोग फार्म को खुद निर्माण करते हैं तो 3000 रुपये लेबर का खर्चा भी माइनस हो जाएगा, जिसे आप लोग 3400 रुपये में, मतलब मात्र 3400 रुपये में 200 या 250 मुर्गियों के लिए एक फार्म का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मुर्गियों के फार्म किस तरीके से बनाना है। देखिए, मुर्गियों के फार्म हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बनाना है और मुर्गियों के फार्म हमेशा ऊंचा बनाना है। ज़मीन का जो एग्जैक्ट लेवल है उसे इतना ऊंचा बनाना चाहिए ताकि बारिश के पानी फार्म के अंदर तक ना जाए।
मुर्गियों के फार्म में नीचे इस तरीके से बांस के घने जाली लगा सकते हैं और ऊपर वेंटिलेशन के तौर पे आप लोग इस तरीके से बांस के पतले जाली भी लगा सकते हैं, जिससे यहाँ से आसानी से हवा आर पार हो सकता है। साथियों, अगर आप लोग पोल्ट्री फार्म में बांस का खंभा लगाते हैं तब आप लोग एक काम ज़रूर करना, बांस के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे मिट्टी में गाड़ने से पहले वहाँ प्लास्टिक लगा देना। ऐसा करने से वो बांस ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करता है। आप लोग अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मुर्गियों के फार्म बनाते समय हमें कौन कौन से बातों पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। वो लिंक क्लिक करके आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।